तो और मेरे भाई लोग कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। तो आपको तो पता होगा लास्ट एपिसोड में गोल्ड और डायमंड की हम गए थे माइनिंग करने। उन्हें खोजते माइनिंग करते करते हम एक केव से जुड़ गए जो कि काफी विशाल थी। उसके हमने थोड़ा सा ही झांक के देखा था क्योंकि वो केव काफी ज्यादा बड़ी थी। और यहाँ पे ना जैसे ही मैंने झांका तो आयरन मेरे को मिल गया। तो आयरन भाई सब कलेक्ट करके गाइस हम फटाफट से ऊपर आ गए। और मैंने आपसे बोला था कि लास्ट एपिसोड में हम उस केव में दोबारा से जाएंगे, बट गाइस अब उस केव में हम दोबारा बिल्कुल नहीं जाने वाले। मतलब जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ सीन ऐसा हो गया जब सुबह सुबह मुझे दो घोड़े दिखाई दिए। और आपको तो पता होगा अभी तक हमने एक भी घोड़ा नहीं पाला है, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ अब हम घोड़े पाले। और घोड़े काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और वो बहुत कम भी मिलते हैं, तो मैंने उन्हें बंद कर दिया है बेचारों को क्योंकि वो वहां से भाग रही है ना। वो तो ठीक है बट गाइस इसको मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानने वाले। रुको जरा पहले यहाँ से सीधा उतरेंगे और भाई बच के ऊपर जाओ। चलो चलो अरे रुको रुको किसको बताओ पहले, ये कुछ ज्यादा शेर बनना है। आप आगे रुक की तैसी रुक, ये दो मारे हड्डी बड्डी तोड़ दी इसकी, कंकाल है पूरा। हाँ तो मैं आपको बता दूं भाई उनके लिए चाहिए शील्ड जो कि मैं सोच रहा था उन्हें बना लेंगे, बट जब पता चली तो भाई उनको नहीं बना पाएंगे, वो मिलते हैं विलेज पे। तो हम जाएंगे विलेज पे रेड करने। और शील्ड मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि इनको पहना कर मैं अपने कब्जे में इनको कर सकता हूँ, ये मेरी हर बात मानने वाले हैं। तो ये इसीलिए मुझे चाहिए शील्ड। तो शील्ड मिलेगी हमें विलेज पे, तो विलेज पे हमला करने वाले हैं। तो हमारी फार्मिंग काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उनकी सीड्स काफी ज्यादा बड़ी पक चुकी हैं, तो इनको जल्दी से पहले तोड़ दें और तब अपना काम करने वाले हैं। बट यार यहाँ तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। ओए इसका जो वेपन था कंकाल का, क्या नाम है इसका, स्केलेटन का, ये मेरे हाथ में है भाई, मेरे को नहीं पता था। बट इसकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, फिर 6 ये तो बेकार है, ये मेरे का कुछ भी यूज नहीं है। और अब यार मेरे को वेपन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें क्या, और जो भी मेरे काम का नहीं है ना उसको पहले इसको डालो, पहले यहाँ पे यहाँ डालो क्योंकि ये ज्यादा रेयर है ना। मैं इसको देखने वाला हूँ इसकी रेसिपी आया है क्योंकि मैं इसको बनाने वाला हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब जो भी मेरे काम का सामान नहीं है ना पहले इसको चेस्ट में डालो क्योंकि अब जब हम जाएंगे हम रेड करने विलेज पर तो वहां पे काफी ज्यादा नए नए सामान आएगा, तो इसको चेस्ट अपनी इन्वेंटोरी में डालेंगे तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे भाई। जल्दी से इसको बेकार सामान को, फिलहाल जो हमारे काम का नहीं है जल्दी जल्दी इसको रखो भाई, मेरे पे इन चीजों का कोई फालतू सामान नहीं है। चलो भाई अपने पास वेपन और फूड बोर्ड रख लिया है हमने क्योंकि ये दो चीजें हमारे काम आने वाली है, तो इन चीजों को जल्दी से हमने रख लिया है। हमारी फसल भी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है और जल्दी से इसको काटते हैं और सीड हमारे पास काफी ज्यादा हो जाएंगी। वैसे मुझे लगता है फिलहाल यहाँ पे ऐसे करते करते रात हो जाएगी, तो मुझे लगता है अगले नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ पे ये कट चुकी है और मेरे पे काफी ज्यादा सीड्स हो चुकी है और इनका चारा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। और चल चलो भाई ज्यादा अच्छा ही है मेरे पे चारा, जल्दी से इनको खिलाते हैं। रुक जाओ ये तो इन पे सीट पे तो कुछ ज्यादा भाई, ये तो कुछ ज्यादा होंगे, इनको नहीं खिलाने वाले। इनका ऐसे करेंगे फार्मिंग कुछ ज्यादा बड़ी बनाएंगे इनके लिए, जल्दी से पशुपालन के लिए। चलो भाई जल्दी जल्दी खाओ, अल्लाह तो इतना मटका तो जल्दी जल्दी खाओ भाई एकदम। अरे हटो ना, चलो भाई अपना काम हो चुका। अरे रुको तू भी चल 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 हट हट, चलो भाई गाइस अपना काम हो चुका। और भाई तू क्या बाहर कर रही है, हट हटती ऐसी की भाई बाहर क्यों आई। भाई देखो मैं इनको भी नहीं खिलाने वाला क्योंकि इनकी कुछ ज्यादा तादाद हो चुकी है, अब इनको मार के खाना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। ओए ये यहाँ पे कैसे आए भाई, ये हॉर्स ये यहाँ पे कैसे आए, मैंने तो वहां बंद कर दी थी ना। वेट ये वो नहीं है भाई, कैसे कूद रही है इसको देखकर भाई, तुम्हारी ऐसी की हड्डी तोड़ू। रुको जरा भाई रुक जाओ भाई, अब ये ज्यादा होंगे तो भाई फायदा ही हो जाएगा, पहले रुक जाओ मैं देख के आता हूँ कि भाई वो वहां पर हैवी है नहीं कि ये है वो, मुझे ऐसा कुछ तो लगता नहीं है, बट हाँ थोड़ा चेक करके तो आना पड़ेगा भाई। ये गाइस देखो यहाँ पे ये मैंने एकदम मस्त सा आलीशान मैंने बोला था ना घर बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने अभी पूरा काम चल रहा है बट अभी कम्प्लीट नहीं हुआ कि ये यहाँ से मुझे लग तो नहीं रहा यहाँ से लेकर पाएंगे इसको, जल्दी छोड़ो। अरे ये रे भाई, अरे हेलो भाई कैसे हो आप सभी लोग, हेलो ठीक हो ना यार, मुझे तो लग रहा तुम बाहर आ गए। चलो तुम यहीं रहना भाई, बाहर मत जाना, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ तो अब ये भाई कैसे कूद रहे, इनको तो मारेंगे नहीं क्योंकि इनकी ज्यादा तादाद बढ़ाने वाले हैं इनको खिला पिला कर। वेट गाइस जो मैं इतनी देर से सीट कर रहा था वो सीट नहीं गाइस, वो तो एक पैडल है भाई, हॉर्स के लिए पैडल बहराते भाई, ये क्या है भाई। अब मैं सोच बना लेता हूँ क्योंकि अब जाने वाले हैं ना बहुत काफी ज्यादा दूर जाने वाले हैं, तो मुझे पता नहीं विलेज कहाँ मिलने वाला है, तो अब हम घूमना चाहे इसलिए मैं ये बना लेता हूँ क्योंकि मेरे घर की डायरेक्शन बता देगा, कितनी भी दूर चले जाऊँ वहीं की लोकेशन मेरे को बता देगा, तो इससे हम अपने घर बहुत इजीली आ जाएंगे। और मुझे पता भी चल गया इसकी रेसिपी क्या है, मतलब इस रेड स्टोन से ही हमारा काफी अच्छा काम बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले इसको डालो और यहाँ पे अपना आयरन चाहिए इसके लिए, तो आयरन को पहले फटाफट से पिघला दे। मेरे पे ना आयरन की बिल्कुल कमी नहीं भाई, कैसे कूद रहे भाई तू इससे दूर रहे भाई, इसको पटा लेगी क्या। हाँ भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, तू इससे दूर रह। तो यार जल्दी से अपना कंपास भी बना लेते क्योंकि आयरन हमारे पास हो चुका है, रेड स्टोन के भी हमने बना ली हैं भाई, जल्दी जल्दी इसको बना ले। चलो भाई अपना एक कंप्लीट, हाँ एक ही चाहिए, चलो अपना बन चुका है और अब हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने वाले भाई, अब कितनी भी दूर चले जाएं ये अपनी घर की डायरेक्शन बता देगा। लेकिन इससे पहले मैं अपनी सीड्स और बना लेता हूँ, देखो कैसी होती है सीड्स,
जल्दी से मैं इसको बनाने वाला हूँ। इसके लिए पहले मैं रेसिपी देख लेता हूँ, और जल्दी रुक जाओ अभी एक मिनट, इसको रेसिपी देखने की वाली है। और यहाँ पे मेरे इसको डालो। चलो भाई मैंने इसकी रेसिपी भी देख लिया, और अब इस शील्ड को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए आयरन और वुड। जल्दी से पहले अपने आयरन डाल लेते हैं, मैं 10-11 रख लेता हूँ क्योंकि आगे भी जरूरत बनने वाली है। आयरन माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा काम आता है, तो जो भी फालतू का सामान इसको पहले चेस्ट में डालो। चलो भाई अपनी शील्ड तैयार करते हैं। और ना ये जो हॉर्स है काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसके ऊपर बैठ के किसी को भी मार सकते हो, और अपनी ज्यादा दुगनी तिगनी स्पीड बढ़ा सकते हो इसके ऊपर बैठकर, और खाना भी ये बन सकता है आपका, तो काफी ज्यादा यूजफुल है ना आप, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो फटाफट से देखो रात भी हो चुकी है ये भाई काम करते करते, तो नेक्स्ट डे सो जाते हैं, और भाई अगले दिन चलने वाले हम उसके लिए सील ढूंढने, तो जल्दी से सो जाते हैं। और राइट गाइस यहाँ पे दिन हो चुका है, और अब जाने वाले हैं हम शील्ड लेने। तो सबसे पहले मैं अपनी जी शील्ड अपने हाथ में पहले था, फिर देखने वाला हूँ कैसा लगता है, काफी मेरा कैरेक्टर काफी ताड़ा लगेगा। जल्दी से इसको चेक करते हैं गाइस। ये देखो गाइस गोल्ड और डायमंड और शील्ड, भाई कितना ज्यादा खतरनाक मेरा को ये लग रहा है कैरेक्टर। भाई कोई भी आएगा ना हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा, नीचे से हाथ डालेगा। मजाक कर रहा हूँ बड़ा भाई, मुंह तो तोड़ना है। चलो भाई इसको जल्दी से, जो बेकार सामान है जितने भी बुड बुड है जल्दी से इनको यहाँ से निकालो। अपने पास जो भी अच्छी चीज है ना उनको जल्दी से रखने हैं। भाई ये बुड क्यों आ जाए, चलो भाई इधर से लेकर दे। अब भाई मैं ढूंढने वाला हूँ विलेज को, और विलेज को मेरे पता नहीं है भाई विलेज कहाँ में ढूंढने वाला, बड़ा काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है विलेज में, पर आपको नहीं लगने वाली ना भाई लाइक करने में, तो कर दो ना लाइक जल्दी से। चलो भाई जल्दी से इधर बंद करते हैं। अरे होना भाई क्यों परेशान कर रहा है, अरे हो तेरी ऐसी की हड्डी तोड़ू। हाँ तो अब यहाँ पे अपना घर कंप्लीट करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं यार विलेज मेरे को अभी पता नहीं है कहाँ है, बट देखो सामने की तरफ ना मेरे को लग रहा है विलेज, देखो सामने की तरफ तो मैं गया था, बट आज जाने वाले हैं पीछे की तरफ। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है आगे जाने में, चलो भाई चलते हैं भाई काफी ज्यादा मेहनत। और राइट गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत के बाद मुझे ये मिल चुका है विलेज, जो कि काफी ज्यादा अजीब है, मैंने आज तक ऐसा विलेज नहीं देखा। बट ये कौन सा जानवर है भाई मेरे को नहीं पता, इसको मार के देखो भाई, इससे मेरे को कुछ गाइस मिला भी नहीं है इससे, और मैं जाने वाला हूँ अब ये विलेज को देखने। मैंने आज पहली बार ये ऐसा विलेज देखा, पूरा इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, और भाई कैसा विलेज है मुझे तो अजीब से ही लग रहा है ये घर। और सामने छोटा सा घर है जहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लोर करने वाले, इसमें चेक करने वाले। अरे रुको यार ये कहाँ से पानी आ गया, हाँ तो इधर बराबर से चेक करते हैं, पेड़ है ये घर, अरे क्या है ये भाई घर ही ये लगता है। अरे गाइस यहाँ पे पड़ी, और हेलो यहाँ पूरा चेंज है भाई अलग, ये क्या चीज है, मैंने आज पहली बार ऐसा विलेज देखा है। जल्दी से इसको तोड़ते हैं भाई, इस किससे टूटेगा तू, ये तो काफी ज्यादा वेट लगा दे। अरे एक बार में टूट गया, मैं सोच रहा हूँ ना ये जितनी भी बूढ़े ना जितनी भी अलग अलग लकड़ियां हैं इसकी, और इनको सबको स्टोन को जितना भी सबको तोड़ ले, और इन सबको कलेक्ट कर लेंगे और अपने यहाँ ले जाएंगे, और मस्त इनको बनाएंगे अच्छी तरीके से घर। बट जितना भी सबको तोड़ने वाले हैं मैं पूरा घर तोड़ लूंगा। और आगे ना गेट भी काफी अलग टाइप की है भाई, आज तक आपने ऐसा गेट नहीं देखा, मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा गेट। जल्दी से इसको तोड़ लेते हैं भाई, इतना हार्ड टूट रहा है भाई, पावरफुल है ये तो गेट। चलो भाई टूट गया, बट यहाँ बुट बुट कुछ नहीं लेने वाले, जो भी चीज है ना अलग टाइप की उन्हें ही लेने वाले। वेट यहाँ पर दो हॉर्स है भाई, इसका मतलब यहाँ पे मुझे शील्ड मिल जाएगी भाई, हॉर्स से तो शील्ड तो होगी नहीं इसके पास भाई। ब्लेज यहाँ पे ब्लेजर भी कुछ अजीब टाइप के कपड़े पहन रखे हैं भाई, पूरा विलेज ही अलग है। वेट यहाँ पे मेरे को काफी सारा खाना मिल गया, जल्दी से इसको उठा दिया, मेरे को बिल्कुल खाने की कमी नहीं पड़ेगी। चलो भाई जल्दी जल्दी इसको लेते, चलो सबको मैंने लूट लिया, अब इस गेट घर को भी लूट लेते हैं जल्दी जल्दी। जो जिस घर में भी घुसूंगा उसका गेट बेड सबको तोड़ लेंगे भाई, बेड भी काफी ज्यादा मस्त है ना, देख लो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसको गेट को तोड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसको कुल्हाड़ी से तोड़ के देखते हैं भाई, बेड तो काफी तगड़ा टूट गया भाई, ऊपर भी काफी अच्छे इसके स्टोन पड़े हैं, जल्दी से इनको भी ले लेते हैं भाई, काफी मस्त मस्त स्टोन है। इस विलेज में मैं दोबारा आऊंगा, और यहाँ पे मेरे को ग्लास इनको तोड़ो भाई, यहाँ पर एक मस्त क्यूट सी बिल्ली है भाई, मैं इसको पालने वाला हूँ। ए रुक जा, एक रुक जा भाई, ए रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा, अरे भाग क्यों रही है, अरे इसको कुछ ज्यादा घमंड नहीं है गाइस, जैसी तो मेरे बहुत देखी घर आती रहती है मेरे बहुत ज्यादा भाई, एक भी नहीं आती यार कहाँ से लाऊं। चली गई भाई गाइस, इतनी क्यूट बिल्ली भाई पालते तो मजा आ जाता भाई, बहुत अच्छा लगता। अब मैं इसको छोड़ भाई, चली गई तो चली गई, अभी जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं, और मैं इस द्वारा आऊंगा और इसको पकड़ के ले जाऊंगा, किडनैप करूंगा जल्दी। हाँ इसको छोड़ो इसकी बात, और जल्दी से इनको बुट को कंप्लीट करें भाई, तू भी रुक जा, तू कहाँ जा रहा है नंगा तो कर दिया। चलो भाई भाई सर देखो ऊपर काफी मस्त घर बने हुए हैं, वहां जाने वाला हूँ भाई, मेरे को बुलावा आया था वहां से कि आप आ जाओ, अब मैं देखने वाला हूँ भाई मेरे को कौन ने बुलाया भाई, जल्दी से इसको तोड़ो। अरे ऊपर, अरे ऊपर कौन है, हेलो अच्छा तेरी हड्डी तोड़ू, रुक चलो भाई मैं इसको, हे भाई इतना मस्त, अरे भाई अरे मेरे चाचा का लोंडा इधर क्या कर रहा भाई, अरे भाई ऐसे मत देख, चाचा ने मारा क्या, यहाँ अपना घर बना के अलग रह रहा है भाई, तू मेरे साथ चलियो मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। और तू भाग क्यों रहा है, बेट गाइस इसके चेस्ट में काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ भाई, ये चोरी का माल है 100%, चोर है साला
इसको चोरी करता है भाई, काफी सारे पेड़ है भाई, चोर की तो नहीं करता है। तो जल्दी सबकी इन्वेंटोरी में डालो और यहाँ पे मस्त मस्त बेड है इसको भाई, इसने घर बहुत बढ़िया बनाया भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो भाई गाइस, मैं जो काम करने है एक घंटे से मैं वो तो कर ही ना भाई, यहाँ पे फन और कर रहा हूँ। तो जल्दी से अपनी सील्ड को ढूंढते हो भाई, कहाँ मिलेगा ये। मैंने इतना ज्यादा गरीब ब्लेस कहीं नहीं दिखाई, एक ही चेस्ट मिली वो भी मेरे चाचा के लॉन्डे के पास, क्योंकि हम खानदानी अमीर है ना। हाँ तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो कुछ घंटा भी कुछ नहीं है। अब देखो मैं उसके घर ही जाने वाला हूँ। अरे हटना यार भाई, तुम मैं तेरे घर जा रहा हूँ भाई, कुछ मत बोलना। इसके घर में चेक करते हैं। अरे बस तो सो पेड़ है। अबे तू कौन है? अरे तेरी ऐसी की तैसी हट यहाँ से, क्या याद कर रहा है? और जल्दी ओए बस गोल्ड भी पड़ा, इनके पास गोल्ड भी होते हैं क्या? मेरे को पता नहीं है। यहाँ पे कैरेट वैरेट पड़ी हुई है। वेट, यहाँ पे मेरे को शील्ड मिल चुकी है, काफी ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से इनको डालो भाई। अब मेरे पे गाइस बहुत सारे, अब मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, बस दो ही शील्ड हैं। तू लेकर मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, रुक जा। हाँ तो अब गाइस मैं आ चुका हूँ, बट जाते जाते इन दोनों घर को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से मैंने आधा सा गांव पूरा एक्सप्लोर कर लिया। इसको तोड़ो पहले, ना कुछ है क्या? अरे मैं इसको क्रैक नहीं कर पा रहा भाई, सामान पूरा टोलाटो भर आया हुआ है। जो भी बेकार चीजें ना इनको फटाफट से फेंको, यहाँ से बाहर जाके फेंकना पड़ेगा। चलो भाई अपना काम उचके इसको ले लिया। इतना बड़ा घर होने के बाद भी गाइस घंटा भी यहाँ मेरे को कुछ नहीं मिला। ये क्या भाई, इस पे रोटी पकाऊंगा कि इस पे घर रख के? चलो भाई गाइस ले लेते हैं, आप क्या पता कुछ काम आ जाए। इस पे क्या करूंगा मैं, इसको छोड़ो। वेट, सामने मेरे को मस्त मस्त स्टोन दिखे हैं भाई, इनको तोड़ो गाइस, सबको निकाल लो भाई। ये काफी, अरे रहने दो इनको, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, चलो इधर चले करो। अरे अरे हमारे गोलम भैया इधर क्या कर रहे हैं? गोलम भैया, अरे एक मिनट आपको पटाखा सो दे को, ले तेरी ऐसी की तैसी। गोलम भैया, गोलम भैया छोड़ दो भैया, मैं आपसे सिर्फ थोड़ा सा आयरन लेना चाह रहा था आपकी हड्डी वड्डी तोड़ के। रुको आपको ट्रैप लगा के मारेंगे गोलम को, रुको ट्रैप लगा के मारेंगे भाई। कहाँ है? अरे अरे भागो भागो भागो, अरे ये क्या हुआ? अरे 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 ये क्या चल रहा है भाई, बैग बैग कैसे? भागो भागो, उसकी हसी तसी हसी हस्ते। गोलम भैया छोड़ दो, गोलम भैया आपसे गलती होगी पंगा लेके, भाई दोबारा कुछ भी ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई। गोलम भैया छोड़ दो, गोलम छोड़ दे भाई, भाई हड्डी तोड़ेगा। चलो भाई आ चुके हैं, पीछे है क्या? अरे यार गाइस यार फिर पीछे आइए, मेरी हड्डी तोड़ेगा भाई, मुझे कोई मार के देगा, इससे मैंने गलत पंगा ले लिया गोलम से। भागो भाई, अब दो मिनट भी मैं यहाँ पे रुकने वाला, फटाफट से अब बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। चलो भाई इधर से यहाँ से। ऑलराइट गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं, काफी ज्यादा मेहनत के बाद देखो इतने ज्यादा चलते चलते रात भी हो चुकी है। ओह इतना थक गया भाई आते आते। चलो भाई, अरे जोमिस तू क्या कर रहा है भाई, मुर्गी का अंडा लेके? तू क्या कर रहा है भाई, मुर्गी का अंडा खाएगा? ले तेरी हड्डी तोड़ू। अरे तेरी मम्मी आ गई है जोमिस, तेरी हड्डी तोड़ू भाई। दो उसकी मम्मी आ गई भाई, मम्मी आ गई मेरे को मानिए, जिसको छोड़ो। पापा किधर है? पापा को बुलाओ। ये क्रीपर तो नहीं है भाई, ये क्रीपर मेरे को बहुत ज्यादा सुअर इंसान लगता है भाई, कहीं भी आके पटाखा हो जाता है, एकदम ब्लास्ट हो जाता है कहीं भी हो भाई, पूरी ऐसी तैसी मार देता है। चलो भाई क्रीपर से बारिश तो बारिश भी होगी, हम अपने घर जाती है और जल्दी से इधर से सोते हैं भाई, क्रीपर से तो दूर ही रहना है। चलो भाई, ओ क्रीपर, ओ तुम्हें बच गया, वो बच गया भाई, भाई पीछे कौन है, पीछे कौन है भाई, रात का समय, भागो भागो भागो। अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, एक बेरा छोड़ दो, एक बेरा छोड़ दो यार, जान दो जान दो, तुम्हारी ऐसे के तैसे भाई मार दिया भाई, क्रीपर आके मेरे पास ही फट गया। चलो भाई सो जाती हूँ, और ये जब जलेंगे ना आग में इनके पीछे से पानी निकल जाएगा भाई। भाई इन्होंने यार इन्होंने मेरे से गलत पंगा लिया, पड़ा छोड़ो इनको, मार मुर्गे गाइस यहाँ पे आ चुके हैं। अब जल्दी से इनको सील्ड पहनाते हैं, आज आ जाओ। क्या हाल चाल भाई, इतने दिन से रह के परेशान तो नहीं हुए? जल्दी से इनको पहनाते भाई, मेरे को पहनाना है। ओए भाई पाद क्यों रहा है भाई, तेरे को पाद मत यार, हंसी आ जाएगी मेरे को बहुत ज्यादा, फिर तुझे मार दूंगा। हाँ भाई इसको पहनाते कैसे है? अरे भाई पहनाऊं कैसे इसको? चलो भाई गाइस एक घंटा के बाद मैंने अब सीख लिया इसको पैराना, और यहाँ से अब पैराएंगे इसको जल्दी से। चलो भाई अपना काम हो चुका है, और हटना जल्दी। चलो अभी हमारे फुल काबू में आ चुका है, जो मैं चाहूंगा ये वहां जाएगा, अब फुल्ली मजा आएगा। और जल्दी से इसको तोड़ो, लेकर क्यों नहीं पा रहा? अरे गाइस इसको तोड़ना पड़ेगा, चलो इसको जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। चलो गाइस यहाँ पे हम बाहर भी आ चुके हैं, देखो कितना तेज स्पीड में भाग रहा हो। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब देखो इसको कैसे मारता हूँ इसके बैठे बैठे। ले तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा रुक जा रुक जा। चलो मार गए, तू कहाँ जा रहा है भाई? अब ये मेरे जो मैं बोलूंगा ये वो करेगा, अब ये मेरा पर्सनल पालतू हॉर्स हो चुका है, पालतू है बिल्कुल, अब इसको मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा भाई। कितना स्पीड में भाग रहा है, उछल भी सकता है, बहुत बढ़िया। इसको अपने वहां पे घुमाते हैं, अपने घर में, अपने काफी बड़े हवेली में घुमाते हैं यार, ग्राउंड में नहीं, अंदर चलो। और देखो मैं इससे बैठे बैठे गेट बंद कर सकता हूँ क्या? एक बार ट्राई करके देखते हैं, बंद नहीं हुआ। चलो भाई बंद हो चुका है, तो अब वक्त आ चुका है अपने गोलम भाई को बनाने के लिए, तो जल्दी से अपने गोलम भाई को बनाते हैं। पर गोलम भाई कुछ ज्यादा ही मेहनत से बनते हैं, उनके लिए कुछ खर्चा पानी कुछ ज्यादा करना पड़ता है। तो सबसे पहले गाइस मेरे को काफी सारी ये चाहिए, क्या बोलते हैं इनको, आयरन चाहिए।
आयरन से आयरन चाहिए और क्या चाहिए, और मेरे को चाहिए वो कद्दू का, कद्दू बोलते हैं ना, नाम भूल रहा हूँ, हाँ कद्दू ही चाहिए। जल्दी से इनको बना लेते हैं, पहले इसको इसके स्टोन बनाते हैं, आयरन के स्टोन। भाई चलो इसको एक बन चुका है, चार बनाने हैं, चार बना लेंगे, चार यूज होते हैं, दो तो बन चुके हैं भाई, तीस दो बन गए, लास्ट हो रहे, चलो लास्ट को बनाओ जल्दी। चलो भाई गाइस अपना चार कंप्लीट हो चुके हैं, और जल्दी से इसको टी के आकार में बनाना है, तो यहीं पे पहले बना लेते हैं अपने गोलम भाई को, जिससे एक भी जॉम्बिस नहीं आने वाला, उसकी हड्डी तोड़ देगा गोलम भाई। चलो भाई भाई इधर, अरे मैं इसको तोड़ के रहा, और एक इधर और इधर एक राइट में। अब हमारे टी का आकार बन चुका है, और अब मुझे चाहिए कद्दूकस, कद्दूकस नहीं कद्दू। अब जल्दी से फटाफट से गाइस उसको लेके आते हैं, मेरे पे ऑलरेडी पहले रुको है ना मेरे पे। चलो गाइस इसमें चेक करते हैं, ये मेरे पे देखो आठ कद्दू कद्दू रखे पड़े हैं। गाइस यार मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, मैं इसको गोलम को बना तो रहा हूँ, पर पता चला ये मुझ पे ही हमला कर दे। भाई बना मैं रहा हूँ तो मुझ पे क्यों हमला करेगा, एक बार भाई बस हमला ना करे। चलो भाई अभी मैंने कंप्लीट कर लिया, और जल्दी से इसको बनाते हैं, और कि गोलम उनकी हड्डी तोड़ेगा भाई, जितने भी जॉम्बीज है फिर आएंगे भी, और ये गोलम बोलेगा कल को आना, कल रात को। जल्दी से इसको बनाते भाई, चढ़ू कहाँ से, यहाँ से चढ़ूंगा। चलो भाई और यहाँ पे प्लीज ये मारे ना। चलो भाई अपना गोलम तैयार हो चुका है बन के। हेलो गोलम भाई हमारी मेरी बात सुन ले भाई, तू अब मेरा मालिक है, सॉरी मैं तेरा मालिक हूँ। अरे अपनी चला रहा भाई ये तो, मतलब बनाया मैंने अपनी चला रहा है। चलो भाई छोड़ो, अगर जो हम गेट लाए थे ना उनको यहाँ पे लगा लेते हैं, जल्दी से इनको तोड़ते हैं, और मस्त एकदम बढ़िया लगने वाला है। तो चलो भाई ये वाला टूट चुका, जल्दी से इसको बनाते हैं। बट मेरे पे तो भाई इसको वेट ही नहीं है भाई, गेट कहाँ गए? मुझे लगता है कैसे यार मैं छोड़ी आया था भाई इनको हटाने के चक्कर में। अरे यार मैंने गेट भी तोड़ दिया, चलो छोड़ो। कैसे यार जो हमारे पास मस्त मस्त बेड है ना उनको पहले यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तीन बेड जल्दी से अपनी इन्वेंटोरी में डालने। चलो भाई और इसको यहाँ पे लगाने हैं, और भाई इनको मैं अभी यहाँ पे लगा के चेक कर रहा हूँ कैसे लगते हैं, काफी तगड़े लग रहे हैं भाई, और मेरे पे ना बेड की कोई कमी नहीं है, बेड तो मैं बेथाई बना सकता हूँ, कहने का मतलब बहुत ज्यादा बना सकता हूँ। अब जो मैं ऑरेंज कलर के स्टोन लाया था उन्हें यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, भाई यहाँ तो अच्छे नहीं लगेंगे भाई, सोच रहा हूँ इसमें किधर लगाऊं रुबेट, यहाँ पे इधर लगा दो, मड है ना ये काफी बेकार लग रही है, तो ऐसे करते हैं इधर रिप्लेस करते हैं, इधर मस्त लगेगा यहाँ पे, और इधर एक और। चलो भाई अपना काम हो चुका है, ऑलराइट गाइस यहाँ पे हो चुका है भाई, ये परेशान क्यों कर रहे हैं भाई ये घोड़े, बिग भाई तेरी हड्डी तोड़ूंगा, तू मेरे को बहुत ज्यादा पहले से परेशान कर रहा था, रुक जा रे यार, रुक तेरी हड्डी तोड़ूंगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भागे मत भाग मत भाग। चलो भाई गाइस ये हमने ऊपर भी कंप्लीट कर लिया, आई होप वी वाले को वीडियो पसंद है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्रेजी करने वाले हैं, तो कैरेक्टर देख के हंसना मत, मैंने सिर्फ अपने गोल्ड की जितनी भी चीजें सबको उतार दिया, तो बाय बाय गाइस यार फिर मिलते हैं, लव यू।